Yes, very good morning to all of you. So let us continue with the revision of coordinates matrix. Write down the next question. Plot the point A 04, B minus 3, 0, C 0 minus 4, and D 3, 0. Name the figure obtained. Name the figure so obtained. Also write the quadrants. In which A, B and C, D lie. Plot this point. After plotting, name the figure so obtained. And also write that in which quadrant the line segment AB and CD they will lie. So first of all, let us plot. So first point to plot is A04. This is A04. Starting with 0, x coordinate is 0. So we start with 0 and 4 going to the upward direction. We are getting A04. Next point is B minus 3, 0. B minus 3, 0. And the point will be this. B minus 3, 0. Next point is C 0 minus 4. This point 0 minus 4. And the next is D 3, 0. B30. ठीक है. So what we people do? We'll join them. इनको ऐसे join. Name the figure so obtained. सबसे ज्यादा easy method है इसको detect करने का कि ये क्या बना रहा है. Scale की help से सारी sides की आप length find कर लो. With the help of scale, you find the length of all the sides. And all the sides, they come out to be equal. If the sides are equal, then you need to check the angles, each angle at the corner. And this angle, which you are getting at the corner, it is not 90 degrees. Isi ke paas graph hai. Graph pe bana raha hai koi. Mere ko lag raha hai ki ye 90 degree aayenge. हाँ लेके आना जरा देखना ये इट विल बी 90 डिग्री क्योंकि अगर मैं डायगनल्स देखूं अच्छा डायगनल्स आर नॉट इक्वल चलो ठीक है एक चीज और हो सकती है अगर हमें नहीं यहाँ से पता चल रहा अदरवाइज ग्राफ पे इट विल बी क्लियर अगर हम लेंथ ऑफ डायगनल देखें तो इस डायगनल की लेंथ कितनी आ रही है 8 राइट आप बनाओ इस डायगनल की लेंथ 8 एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डायगनल 6 डायगनल्स आर नॉट इक्वल Sides are equal, but diagonals are not equal. So obviously it will be rhombus. Because in a square, diagonals are equal. Had it been a square, diagonals would have been equal. But diagonals are not equal, sides are equal. So this figure is rhombus. Then he says, in which quadrant line segment AB lie? Second quadrant. And in which quadrant line segment CD lie? Fourth quadrant. बेटे मैं 90 डिग्री की तो मैंने बात ही नहीं की मैंने ये तभी बोला था कि ग्राफ पे बनाओ एग्जैक्ट पिक्चर पता लगेगी नहीं पता चला तो मैंने लेंथ ऑफ डायगनल्स निकाल ली लेंथ ऑफ डायगनल्स निकाल लो एंड डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आई साइड्स इक्वल आ गई तो क्या बनेगा क्वाड्रिलेटरल
नहीं आ रही इक्वल, हाँ इक्वल है। ग्राफ पे देखो, अभी देखते हैं, देखते दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस विल बी फाइव पाइथागोरस से, अगेन दिस इज फोर, दिस इज थ्री, ये फाइव, दिस इज थ्री फोर, दिस इज फाइव, दिस इज फोर, साइड इक्वल था। पाइथागोरस लगा दिया मैंने, साइड इक्वल है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये तीन है, ये चार है, 16 प्लस 9, 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ बेटे, क्या पता ये ग्राफ पे बन के ही आए, ठीक है ना, और क्या पता रफ में जो आपके पास शीट आएगी उसके साथ रफ बना हो कुछ, ठीक है। सो यू आर गेटिंग इट टू बी अ रोम्बस एज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 5 यूनिट्स। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इफ इफ if it lies in first quadrant, second, third, हाँ जी राजविंदर, if the point lies in the fourth quadrant, what will be its coordinates? x coordinate is perpendicular distance from y axis. तो बड़े अच्छे से राजविंदर ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बना दिया, साइन बाद में डिसाइड करेंगे, एंड बैठ जा बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4, ही हैज मेड इट इट द वाई कोऑर्डिनेट। उल्टा करना है, एक्स कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट। नाउ लेट अस डिसाइड द साइन, इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, बाकी सब में डिस्टेंसेस तो सेम रहने हैं, साइन चेंज कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव। इज इट ओके? तो ऐसे चार पॉइंट्स हैं जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स और वाई एक्सिस से 4 यूनिट है। It depend negative signs, they are just telling us the quadrants or the direction in which the points are lying. ठीक है? Sure. Next question. Plot the point A 5 5, B minus 5 5 in the Cartesian plane, in the Cartesian plane, join OA, join AB, OA and OB. Name the type of triangle so far.
points are to be plotted in the Cartesian plane. So let us plot x, x dash, o, y, y dash. 1, 2, 2, 4, 5. This is -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, and -4. First point that is to be plotted is 5, 5. This is A. Second point is -5, 5. -5, 5. Join AB. Join OA and OB. You will get a triangle. Now see, what is this distance? 5. What is this distance? 5. We want to name the type of the triangle. So for that will be detected only when you are knowing the length of the sides, right? This is 5, this is 5. Using Pythagoras theorem, you will get this to be 5√2. Pythagoras theorem use karo, aapke paas OB ki value 5√2 aa jayegi. ठीक है राजविंदर. सिमिलरली इफ यू फाइंड OA, दिस विल आल्सो बी 5√2. ठीक है, तीसरी साइड के बारे में एक बार देख लें. दिस इज 5, दिस इज 5 एंड द कलेक्टिव इट विल बी 10. टू साइड्स इक्वल, वन इज नॉट इक्वल टू देम, सो दिस विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल. हो सकता है पॉइंट्स प्लॉटेड हो, आपसे पूछ लिया गया जाए कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज फॉर्मिंग. ठीक है अंशिया, नेक्स्ट. A point lies on x-axis at a distance of 9 units from y-axis. What are its coordinates? Point lies on which axis? X axis. So naturally its y coordinate will be 0. Perpendicular distance from x axis is 9. So what will be the coordinates of point? 9, 0 and -9. Both the points are taken into consideration. When the direction is not mentioned, then you have to write both the points. Had it been written, the point lies in the negative direction of x-axis, then if it is written, then it would have been -9, 0. Okay, next. Plot the point P2-6 on the graph paper. P2-6 on the graph paper. From it, draw PM perpendicular to x-axis and PN perpendicular to y-axis. Write coordinates of M and N. Write coordinates of
एम एंड एन। फर्स्ट पॉइंट इज 2 माइनस 6, दिस इज 2, दिस इज माइनस 6, पी 2 माइनस 6। सेकेंड पॉइंट ठीक है, एक ही पॉइंट हमने प्लॉट करना है। ही सेज फ्रॉम दिस पॉइंट पी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। And on y-axis as well. When you will draw the perpendicular, there it is PN, namely as given in the question, it is PN. So you need to write the coordinates of M. M lies on which axis? X-axis. Its y-coordinate will be 0. एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द डिस्टेंस। अब अगर मैं कहूँ ना, आप लोग शरारतें कर रहे हो, तो आपने कहा ना हमने क्या किया, एंड यू नो बेटर कि आप दोनों क्या कर रहे हो, बोथ ऑफ यू। एंड व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट? डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एन, एन लाइज ऑन वाई एक्सिस, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हुआ, and y coordinate will be distance along minus 6. Next question. Plot a point P minus 3 minus 4 on the plane. Now change the sign of abscissa and call it Q. Plot reflection of P and Q with respect to x-axis. About x-axis, with respect to x-axis, one of the same thing. First of all, you have to plot the point minus 3, minus 4 on the Cartesian plane. So, with respect to x-axis, w dot r dot t. So, q everything. Plot P minus 3 minus 4. Minus 3 minus 4. This is P minus 3 minus 4. Change the sign of abscissa. What is abscissa? X coordinate. Change its sign. It will become 3 minus 4. कॉल इट क्यू। क्यू पहले प्लॉट कर दे, फिर रिफ्लेक्शन आएगी उसकी। क्यू बिकम्स 3 माइनस 4, दिस विल बी क्यू। चेंजिंग द साइन ऑफ एप्सिसा, यू आर गेटिंग अ पॉइंट क्यू एंड दैट वी आर प्लॉटिंग ऑन द प्लेन। नाउ ही सेज प्लॉट द reflection of P and Q
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पी एंड एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैंने इसकी रिफ्लेक्शन लेनी है तो इसका कौन सा कॉर्डिनेट चेंज हो जाएगा, वाई कॉर्डिनेट का साइन. वैसे भी इसको आप फोल्ड करोगे इट विल फॉल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सो 1 2 3 4 कॉल इट पी डैश माइनस 3 4. रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंजेस द साइन ऑफ वाई कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. And if you want to find reflection of Q with respect to x-axis, you have to fold it like this. It will fall in the first quadrant and it will be 3, 4. Let us call it Q dash. Along x-axis reflection changes the sign of the y coordinate of the point. Next. Plot the points A 2 - 5. Change the sign of ordinate. Call it B. Plot reflection of A and B with respect to y-axis. Do it yourself. Right now, do it yourself. Plot point A on the plane, Cartesian plane, graph paper. Now, change the sign of ordinate. This time, you have to change the sign of ordinate. Pritika, what is ordinate of a point? Ordinate kisko bolte hain? Which is called ordinate of the point. जल्दी रितिका कैसे पास होना है, हमें यही नहीं पता कि पॉइंट ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं और अपसिस्सा किसको बोलते हैं. हाउ विल गेट पास रितिका? अपसिस्सा किसको बोलते हैं रितिका? बिल्कुल पढ़ना छोड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ते हो आप. रिदे ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये लिखा हुआ जो ऑर्डिनरी है वो ऑर्डिनेट है ना? कहता हाँ जी, हाँ जी बेटे आप बताओ. वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को अपसिस्सा. ये हृदय, ये आप लोगों को ये नहीं पता कि ऑर्डिनेट क्या है और अपसिस्सा क्या है. हाउ यू विल अटेम्प्ट द पेपर? क्या करके आओगे पेपर में? ऑर्डिनेट अपसिस्सा का ही नहीं हमें पता चल रहा. इफ देयर इज अ पॉइंट 5 6 रितिका व्हाट इज इट्स अपसिस्सा? 5 6 पॉइंट का अपसिस्सा क्या है? अपसिस्सा 6 हो गया. X कोऑर्डिनेट इज अपसिस्सा एंड Y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट. पता नहीं सो रहे होते हो जब मैं क्लास में इस कॉन्सेप्ट बताए हैं. सो रहे थे रितिका? X कोऑर्डिनेट इज अपसिस्सा एंड Y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट एंड दिस टाइम यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ऑर्डिनेट. दैट मींस Y कोऑर्डिनेट, दैट मींस दैट विल बिकम, इट इज 2 - 5. If you will change the sign of ordinate, but it will become Ritika 2, 5. Then plot the reflections of A and B with respect to y-axis. डन हो गया क्या? किया ही नहीं रिदे? चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लॉट द पॉइंट A 2 3 B 2 1
C01 and D03 join, name the figures so obtained. Find area and perimeter. Find area and perimeter. Square units. सीधा लिखोगे? मैं बता तो रही हूँ. You will write it to be this much units if the area is perimeter is there. This much square units if area is there. X, x dash, y, y dash. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plot. Name the figures obtained. Find its area as well as perimeter. First point is A23. Second is B21. Third is C01. Next is D03. Whenever you are going to name the figure, just see the length of the side by counting the blocks. अगर तो ऐसे block तो ऐसे side आ जाए जो कि plane के quadrant में है, तो फिर तो Pythagoras use होता है, ठीक है, उस side को find करने के लिए. But अगर sides जो हैं वो block के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो then you just count the blocks and get the side value. See, there are two blocks. This is two, and this is also two. And also, how many blocks? Two blocks. Moreover, each angle is 90 degree. All sides equal, each angle 90 degree. It will be a square. ठीक है, last bench. It will be a square. So, what is the area of square? Side into side. 4 square units. क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है? एरिया 6 निकाल रहे कैसे? 10 कैसे आया? 4 इनटू साइड. आपने किसका निकाला? अच्छा, कोऑर्डिनेट्स गलत लिखे. गलत कोऑर्डिनेट्स विल गिव यू गलत मार्क्स. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू, वैसे तो अभी आपको एक चीज का तो बेनिफिट है ही है कि आपको स्टेटमेंट तो कॉपी करनी नहीं है इस बार. क्यों अर्षिता? गोले दिए हुए, बस गोलों पे बिंदियां लगानी है. बिंदियां ध्यान से लगानी है, ठीक है? एक बार बिंदी लग गई तो वो हटेगी नहीं, जैसी लग गई वैसी रहनी है. ये नहीं कि मैंने इस कलर की बिंदी लगाई, मुझे पसंद नहीं, मैं दूसरे की लगा दू. नहीं, जो लग गई एक बार वो लग गई, तो उसपे व्हाइटनर लगाना नॉट अलाउड है. हाँ, पेंसिल से करना नहीं है पेपर. इतना टाइम नहीं होगा कि पहले पेंसिल से, फिर पेन से, फिर ब्लू पेन से, फिर रेड पेन से, फिर ब्लैक पेन से, ऐसे टाइम नहीं हो रहा है. स्क्वायर यूनिट्स इन द एरिया एंड ओनली यूनिट्स इन द पेरीमीटर, ठीक है? पर एक चीज है, व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन, सपोज, ठीक है, मान लो वहां पे स्टेटमेंट में 58 है. मैं वैसे कोई एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला में 58 है. आपने उसको कैलकुलेशन करके ही बिंदी लगानी है कि बिना कैलकुलेशन के? कैलकुलेशन करके.
तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं टाइम 58 को 85 लिख लो तो आपकी बिंदी नेचुरली गलत लग जाएगी। तो जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे इस बार कैलकुलेशंस आप रफ में करोगे नेचुरली, सामने स्पेस अवेलेबल होगा जहां भी, तो आप कैलकुलेशंस करते टाइम इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखनी है कि हमारा कोई भी डिजिट इधर से उधर हुआ नहीं, कि हमारा एक नंबर गया। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एंड मोर ओवर एक चीज और ध्यान, एक चीज प्लीज, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, स्टैंड अलोन अजर्शन रीजनिंग केस स्टडी इवन मैच द फॉलोइंग कैन बी देयर, ठीक है। ब्लैंक्स का भी नहीं इतना मुझे पता, मैच द फॉलोइंग इज ऑल्सो देयर, ब्लैंक्स आई थिंक इट विल नॉट बी देयर, क्योंकि सारा कुछ ऑब्जेक्टिव है तो ब्लैंक्स नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, दैट कैलकुलेशन पार्ट शुड बी अप टू द मार्क, ठीक है। अजर्शन वाले में जो सेकेंड रीजन दिया होगा वो तभी आपको क्लैरिटी होगी, अगर वो तभी आप सही करके आप पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको डेफिनेशन आती नहीं है, रीजनिंग में डेफिनेशन है, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको आता है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या हुआ, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि काश पेपर सब्जेक्टिव ही हो जाता, फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर मिल जाता ऐसे तो, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन होते, आधा आधा नंबर का फॉर्मूला करा के 15 नंबर ऐसे बन जाने थे, यहाँ पे तो गया सब कुछ। Anyhow, whatever is the criteria, whatever is the pattern, we have to follow that, right? Chaliye. Next, plot the points A53, B-23, and D-5-4. The three vertices of the square. Find third vertex C. चलो कल करेंगे इसको. Plotting the three points, getting the third vertex. We'll do it tomorrow. Right? Yeah.